वेलकम बैक नाजीन, हमारे साथ फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, उनसे बात करते हैं जो इश्यूज इकोनॉमी के हवाले से उठे हैं। डार साहब, वेल डन, आपने 21 रुपए नीचे ले आए डॉलर को, और आप तो कह रहे हैं कि मैं 200 के अंडर लेके आऊँगा, और आपने कहा 21 दिनों में ले आऊँगा, तो एन मुमकिन है कि आप इंशाल्लाह मैनेज कर लें। लेकिन जो नाकेदीन हैं और जो इकोनॉमिस्ट हैं, मोर इम्पोर्टेंटली इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं हमें जी कि अनसस्टेनेबल है। वो कहते हैं ये तो थोड़े दिनों की बात है, 2-3 महीने की बात है, अनलेस इसहाक डार साहब को कोई गारंटीज हैं कि डॉलर का इनफ्लो कहीं से आने लगा है, कि डेट रीप्रोफाइलिंग हो जाएगी या IMF सॉफ्ट हो जाएगा, कहते हैं उसके अलावा ये सस्टेन नहीं हो सकता। देखें, हर एक का अपना ओपिनियन है, और मैं तो हमेशा मेजॉरिटी एडवर्स ओपिनियन का शिकार रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फल से अब 25 साल के बाद ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि जो इसहाक डार की थ्योरी है दैट फिट्स इन पाकिस्तान रिक्वायरमेंट। क्योंकि मैं हमेशा कहता था कि अगर आपकी करेंसी स्टेबल नहीं है और डिवेल्यूशन होगी, तो फिर वही साइकिल हुआ जो आपने अभी देखा 4 साल में, महंगाई होगी, उसको कंट्रोल करने मॉनेटरी पॉलिसी, आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, पिछले 14% था लेकिन कोविड से पहले, तो वो फिर विशेष साइकिल बढ़ता जाता। तो वो जहाँ तक उनका है कि सस्टेनेबल है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ये सिर्फ मैं हवा में नहीं बात कर रहा कि 200 से नीचे, आई एम टॉकिंग साइंटिफिक रीजंस के इट शुड नॉट बी मोर देन 200, यानी दिस व्हाट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीड। तो वो तो मैंने इंट्रोड्यूस किया था अहमदाबाद 1 February 1999 में, उससे पहले तो पैग होता था, तो जब PML की हुकूमत थी, मेरा नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और मुआशी पाबंदियाँ लगी, हमने उसका फेस किया, जब हमने स्टेबलाइज कर ली चीज़ों को, उस वक्त फिर हमने ये मार्केट बेस गए थे, हम खुद गए थे। तो आप कह रहे हैं कि तो मैं समझता हूँ कि देखें, वो इसलिए कहते हैं कि हमारी अगले साल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स 40 बिलियन, नहीं 40 नहीं है, अबाउट 22 बिलियन के करीब हमारे, 40 नहीं है फिगर सब कह रहा है, नहीं 22 बिलियन करीब मल्टीलेटरल कमर्शियल लोन जो हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं, बिल्कुल, और इसी तरह को 12 बिलियन एक्सपेक्टेड है करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये 34 है, लेकिन मैं उसी की वर्किंग कर रहा हूँ, हमें पीसफुल रहने के लिए और पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए हमें उसकी अरेंजमेंट हमारे इन प्लेस, हमारी वो इन प्लेस होनी चाहिए। तो वो आप कर रहे हैं, वो अगले महीने 12 महीने की, आई एम ऑन दैट, इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू डू इट। सो किसी को ये ना देखिए, आप मुझे बताएं कि आपके अगले नेबरिंग कंट्री ने 100 बिलियन झोंक दिया है अपनी करेंसी को बचाने के लिए या ठीक करने के लिए, इंडिया ने, डॉक्टर साहब आप कुछ करेंगे, लोग कह रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कुछ डॉक्टर साहब कुछ नहीं कहेंगे कि करो, नहीं मैं आपको बता, अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जब उसकी बिल्कुल एक जो उनकी जो है एक बैंड से नीचे गया, तो सारी दुनिया करती, हम वो भी नहीं कर रहे अभी नहीं कर। मैं शुक्रिया अदा मैंने किया है ऑलरेडी 1-2 प्रोग्राम्स में, बेस्ड ऑन हमारा जो एक हिस्टोरिक डीलिंग है मनी चेंजर्स एंड द बैंक्स, जो 98-99 में उनको वो भी याद है, जो 20-13-14 में उसको वो भी याद है, उस वक्त भी ये एक आउट ऑफ रियलिस्टिक बैंड से बाहर निकल गया था, और वो प्योर स्पेकुलेशन थी, और उस वो चंद प्लेयर स्पेकुलेटर जो थे वो ये रियलाइज नहीं करते कि 1 रुपया, उस वक्त तो 70 बिलियन का हमारा एक्सटर्नल लोन था, तो 1 रुपये 70 बिलियन का नुकसान, आज 1 बिलियन से हमारा पब्लिक डेट लायबिलिटी 130 बिलियन है। तो अभी आप देखें कि मैं जहाज में बोर्ड हुआ और न्यूज़ कन्फर्म हो गई है, मैं किसी से पूछा, मैंने कहा कि हमारी जिस दिन गवर्नमेंट आई है 189 से 182, एवरीबॉडी नोज द, आई एम नॉट नेमिंग, इज अ बिग प्लेयर इन दिस, मैंने जब क्योंकि मुझे आया कि एकदम से 4.194, तो मैं इनसे इन टच ही नहीं था, क्योंकि उनकी हुकूमत थी, तो मुझे, लेकिन जो हमारी हुकूमत थी, मैंने यहाँ से पता कराया कौन आजकल है मेन, क्या उनके नंबर है, तो मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे रिकग्नाइज नहीं किया, तो मैंने कहा कि मैंने बताया कि आप कौन, मैंने कहा मैं फलां, ओ आप सर किधर हैं, मैंने कहा आप मुल्क को आपने जलाना है, ये क्या कर रहे हैं आप, तो मैंने कहा अच्छा वाला तो 189 से 182 हुआ था और आप सही डायरेक्शन में जा रहे थे, उन्होंने कहा जी मार्केट हम सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ये तो उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी से भी कहा था कि उनको बुलाओ, तो उन्होंने कहा था कौन सी, और उसमें मैं उसी यानी उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मुझे क्या भाई, मैं उधर बैठा हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन मुझे दुख हो रहा था, मुझे वो तकलीफ हो रही थी कि कदर वही हुआ, फिर चलते चलते तो अभी ये जो हुआ है, जब जब मैं बोर्ड किया उनको पता लगा आ रहा है,
उस दिन से, उससे पहले दो महीने जो है वो हमेशा नीचे जा रहा था, अभी एवरी डे पता है कितना लोन आपका कम हो गया है, एक पैसा दिए पैसे 72 करोड़ मेरा वैसे ही बनता है, 2900 अरब का आपका डेट कम हो गया है फ्रॉम द डे ऑफ माय अराइवल अल्हम्दुलिल्लाह, और 1 रुपया वापस किए बगैर। ये आप देखें कि ये फर्स्ट उसका आपके जब 20% अगर 200 पे जाता है, 20% जब आपकी कीमत कम होगी, आपका जो आप इंपोर्ट ऑयल करेंगी, कुकिंग ऑयल करेंगी, पेट्रोल डीजल वट एवर ऑल इम्पोर्ट्स, आपका 20% बिल स्लैश हो जाएगा। 25 साल के बाद ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि जो साग डार की थ्योरी है दैट फिट्स इन पाकिस्तान रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैं हमेशा कहता था कि अगर आपकी करेंसी स्टेबल नहीं है और डिवेल्यूशन होगी तो फिर वही साइकिल हुआ जो आपने अभी देखा 4 साल में, महंगाई होगी उसको कंट्रोल करने मॉनेटरी पॉलिसी, आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, पिछले को 14% तक ले गए कोविड से पहले, तो वो फिर विशेष साइकिल बढ़ता जाता। तो वो जहाँ तक उनका है कि सस्टेनेबल, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ये सिर्फ मैं हवा में नहीं बात कर रहा कि 200 से नीचे, आई एम टॉकिंग साइंटिफिक रीजंस के इट शुड नॉट बी मोर देन 200, यानी दिस व्हाट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीड। तो वो तो मैंने इंट्रोड्यूस किया था अहमदाबाद फरवरी 99 में, उससे पहले तो पैग होता था, तो जब PML की हुकूमत थी, मेरा नवाजी प्राइम मिनिस्टर थे और मुआशी पाबंदियाँ लगी, हमने उसका फेस किया, जब हमने स्टेबलाइज कर ली चीज़ों को उस वक्त फिर हमने ये मार्केट बेस गए थे, हम खुद गए थे। तो आप कह रहे हैं कि तो मैं समझता हूँ कि देखें वो इसलिए कहते हैं कि हमारी अगले साल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं नीड्स 40 बिलियन नहीं 40 नहीं है अबाउट 22 बिलियन के करीब हमारे नहीं 22 बिलियन करीब मल्टीलेटरल कमर्शियल लोन जो हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स है, और इसी तरह को 12 बिलियन एक्सपेक्टेड है करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये 34 है, लेकिन मैं उसी की वर्किंग कर रहा हूँ, हमें पीसफुल रहने के लिए और पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए हमें उसकी अरेंजमेंट हमारे इन प्लेस, हमारी वो इन प्लेस होनी चाहिए। तो वो आप कर रहे हैं, वो अगले महीने 12 महीने की आई एम ऑन दैट इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू डू इट। सो किसी को ये ना देखिए, आप मुझे बताएं कि आपके अगले नेबरिंग कंट्री ने 100 बिलियन झोंक दिया है अपनी करेंसी को बचाने के लिए या ठीक करने के लिए, इंडिया ने डॉक्टर साहब आप कुछ करेंगे, लोग कहेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कुछ कुछ नहीं कहेंगे कि करो नहीं, मैं आपको बता, अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जब उसकी बिल्कुल एक जो उनकी जो है एक बैंड से नीचे गया तो सारी दुनिया करती, हम वो भी नहीं कर रहे अभी नहीं कर। मैं शुक्रिया अदा मैंने किया है ऑलरेडी 1-2 प्रोग्राम्स में बेस्ड ऑन हमारा जो एक हिस्टोरिक डीलिंग है मनी चेंजर्स एंड द बैंक्स जो 98-99 में, उनको वो भी याद है, जो 20-13-14 में उसको वो भी याद है, उस वक्त भी ये एक आउट ऑफ रियलिस्टिक बैंड से बाहर निकल गया था और वो प्योर स्पेकुलेशन थी, और उस वो चंद प्लेयर स्पेकुलेटर जो थे वो ये रियलाइज नहीं करते कि 1 रुपया उस वक्त तो 70 बिलियन का हमारा एक्सटर्नल लोन था, तो 1 रुपये 70 बिलियन का नुकसान, आज 1 बिलियन से हमारा पब्लिक डेट लायबिलिटी 130 बिलियन है। तो अभी आप देखें कि मैं जहाज में बोर्ड हुआ और न्यूज़ कन्फर्म हो गई है, मैं किसी से पूछा, मैंने कहा कि हमारी जिस दिन गवर्नमेंट आई है 189 से 182, एवरीबॉडी नोज द आई एम नॉट नेमिंग इज अ बिग प्लेयर इन दिस, मैंने जब क्योंकि मुझे आया कि एकदम से 194, तो मैं इन टच ही नहीं था, क्योंकि उनकी हुकूमत थी तो मुझे, लेकिन जो हमारी हुकूमत थी मैंने यहाँ से पता कराया कौन आजकल है मेन, क्या उनके नंबर है, तो मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे रिकग्नाइज नहीं किया, तो मैंने कहा कि मैंने अपने बताया कि आप कौन, मैंने कहा मैं फलां, ओ आप सर किधर हैं, मैंने कहा आप मुल्क को आपने जलाना है, ये क्या कर रहे हैं आप, तो मैंने कहा अच्छा वाला तो 189 से 182 हुआ था और आप सही डायरेक्शन में जा रहे थे, उन्होंने कहा जी मार्केट हम सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं।